मैं सुंदर बन जाऊंगा। मुझे सुंदर और हैंडसम आदमी बना दोगी? कैसे? क्योंकि तुमने मेरी मदद की तो सावधान करना मेरा फर्ज है। इसे पीकर तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी पर इसके साथ तुम्हें मुश्किल परिणाम भी जीने होंगे। अच्छा, इसे पीने से सचमुच मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी? मुझे किसी भी परिणाम की कोई चिंता नहीं। पर मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मुझे कुछ नहीं सुनना है और मुझे बस अपनी बदसूरती से छुटकारा चाहिए। मुझे सुंदर और हैंडसम आदमी बनना है बस। तुम मुझे इसे दे दो। जो मैंने कहा और जो मैं कहने वाली थी उसे याद रखना। हर एक इच्छा के साथ एक श्राप, कोप और एक आफत आती है। तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर आदमी तो बन जाओगे पर तुम्हारे साथ क्या होगा या क्या होने वाला है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। पर कुछ हुआ तो नहीं तुमने जैसा कहा था? हा? होगा। अब तुम जाओ। था कैसी आवाज थी? किसकी थी? ये आवाज़ कहाँ से आ रही? बंद करो ये आवाज। मैं अभी वैसे ही हूं। झूठ बोला उसने कि ऐसा हो जाएगा। बस सब झूठ। क्या है? क्या है? काम करो सब अपना। Yeah.
हम तुम्हें मार डालेंगे। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हम तुम्हें मार डालेंगे। बंद करो ये आवाजें। नहीं करना चाहिए था। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें मार डालेंगे। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। प्लीज। हम तुम्हें मार डालेंगे। मैंने क्या बिगाड़ा है? मुझे माफ कर दो। आने कबूल से ये मैं हूं। मैं हूं रतन। मैं हूं रतन। ये मैं हूं।
हाँ ये मैं ही हूँ। हाँ रतन ये मैं ही हूँ। मैं सीधा खड़ा हूँ। मेरी बैग सीधी हो गई है, बिल्कुल सीधी हो गई है। मेरा चेहरा, मेरी स्किन, सब बिल्कुल ठीक हो गया, सब बिल्कुल ठीक हो गया। मैं कितना सुंदर हो गया हूँ। I'm the most handsome man of this world. अरे कौन हो तुम? और अंदर कैसे आए? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। तुम्हारे मालिक कहाँ है? मेरा नमक खा के मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। चुप! झूठ क्यों बोल रहा है तू? अरे मुझे तो ये चोर लगता है, चोर। चल ही गया यहाँ से। ये मैंने क्या किया? मैंने ये मार डाला? ये कैसे हुआ? हमारा बहुत हैंडसम लग रहे हो रतन। ये सब क्या है हमारा? वो ही जो तुम्हारी इच्छा थी। लेकिन तुमने मुझे खूबसूरत बनाने के साथ साथ ये क्या बना दिया? और ये तुमने किसे भेजा मेरे साथ? कौन है मेरे आसपास? कौन है ये सब? कल रात को जब मैं यहाँ से गया तो मुझे औरतों की अजीब से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो सब मेरे कान में जोर से चिल्ला रही थी। मैं बिल्कुल घबरा गया। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे प्राण के पर्दे फट जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे मैं अपने घर पहुँचा तो एक एक करके तीनों लड़कियाँ वो सब मेरे सामने आ गई थी। वो मेरे कानों में चिल्ला रही थी कि वो मुझे जान से मार देंगे। मैं बहुत घबरा गया वहाँ से भागा बचने के लिए, पर वो भी मेरे पीछे भागी। और जब सुबह तुम्हें होश आया तो तुम बदल चुके थे, एक नए रतन, है ना? हाँ मैं इन सबसे बहुत खुश था, लेकिन मुझे अपने नौकरों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, अजीब सा गुस्सा। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उन्हें जान से मार दिया। हमारा ये सब तुमने क्या किया? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था रतन कि हर इच्छा के साथ एक कीमत चुकानी पड़ती है, हर चाहत के साथ एक श्राप आता है। तुम्हारे भाई विशाल की इच्छा थी। मैं चाहता हूँ कि मेरा चचेरा भाई मर जाए। वो मर जाएगा तो उसके बाद सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। मुझे उसे मरवाना है। तो उसकी कीमत थी उसकी बीवी का सिर। उन्होंने मना कर दिया, कहते हमें कुछ नहीं चाहिए और यहाँ से भाग नहीं गए। क्या करती? मैंने तो उन्हें कहा भी था, क्योंकि तुमने मेरी मदद करी इसलिए तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी करी। तुम्हारी इच्छा थी कि तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान बन जाओ, पर उसके लिए मुझे तुम्हारे शरीर की बदसूरती को मारना पड़ा और उसमें खूबसूरती घोलनी पड़ी। तुम्हें याद है जब तुम कल आए थे, मैं कुछ बना रही थी और वही मैंने तुम्हें पीने को भी दिया था। वो ड्रिंक उन तीन सुंदर लड़कियों की थी जिनमें उनकी सुंदरता मिली हुई जो अब तुम्हारे शरीर में घुल चुकी है। अब ये तीन लड़कियां तुमसे बंध चुकी हैं, ये तुम्हारे साथ रहेंगी हमेशा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे आस पास।